Good morning dear students welcome to Jatin's Academy today in this class we're going to start with third chapter of class 6 ICSE chemistry that is separation techniques so let's get started सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस देखो जो हमें सेपरेशन करनी है सो so सेपरेशन का सबसे पहले मतलब क्या है फिर हम समझें कि सेपरेशन कैसे करनी है कोई भी सब्सटेंसेस की ठीक है तो सेपरेशन का मतलब क्या है सेपरेशन वर्ड मतलब क्या होता है कि आइसोलेशन ऑफ सब्सटेंस आइसोलेशन मतलब इकला प्योर सब्सटेंस अगर हमें कोई भी इमप्योर सैंपल से कुछ प्योर सैंपल को अलग करना है तो उसके आइसोलेशन सब्सटांस की करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि हमने सेपरेशन करनी हो सब्सटांस की ठीक है जो नॉर्मली कोई एक सब्सटांस होता है वो मिक्सचर्स के Form me, होता तो उसमें क्या होता है और अदर थिंग्स ऐड होते हैं उनके कंपोनेंट्स बनाने के लिए मतलब जो मिक्सचर हमने बनाया है कोई सब्सटेंस हमने बनाया है उसको ऐड करने कोई ना कोई कंपोनेंट्स अदर यूज़ करके फिर ही वो सब्सटेंस बनता है ठीक है अगर हमें उसका प्योर सब्सटेंस चाहिए तो प्योर सब्सटेंस आप कैसे करोगे ऑब्वियसली आपको उसकी क्या करेंगे सेपरेशन करनी पड़ेगी ठीक है तो सेपरेशन कैसे हो सकती है सेपरेशन या तो फिजिकल मैथड से हो सकती है या केमिकल मैथड तो अब ये फिजिकल मैथड्स क्या होते हैं केमिकल मैथड्स क्या होते हैं फिजिकल मैथड मतलब जो हम अपने एनवायरमेंट में अच्छे से ईजिली अपने कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हैंड पिकिंग से कुछ निकाल लिया या मैंने सेविंग से कुछ निकाल लिया ठीक है जो मतलब मैथड्स ईजिली मैं कर सकती हूँ एट होम ऑल्सो ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं फिजिकल मैथड केमिकल मैथड्स क्या होते हैं वो मैथड जिससे आप सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस करते हो बट कोई ना कोई केमिकल्स यूज करके जो हम कमिस्ट्री लैब में या कोई केमिकल यूज़ करके कोई भी मैथड ऑफ़ सेपरेशन लगाएंगे उसको हम केमिकल मैथड्स बोलेंगे जैसे कि यहाँ पर डिस्टिलेशन आ जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रोमेटोग्राफी ये सारा कुछ केमिकल मैथड्स में आ जाएगा ठीक है सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टड विद द नेक्स्ट टॉपिक सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मैथ्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स। आपने इस चैप्टर में मेनली मैथड्स ही समझने हैं कि आप कैसे सॉलिड सॉलिड को सॉलिड लिक्विड को लिक्विड गैस को आप कैसे ऐसे मतलब मिक्सचर्स को सेपरेट करोगे डिफरेंट मैथड लगाने हैं हमने सो फर्स्ट वी आर हैविंग विनोइंग तो विनोइंग देखो क्या होता है विनोइंग एक मेथड है जो मेनली फार्मर्स यूज़ करते हैं फार्मर किसके लिए यूज़ करते हैं जो बहुत सारे हस्क होते हैं ना हस्क मतलब जिसमें वीट को बाहर निकालना होता है उसके ना ढेर होते हैं उनके पास उन ढेर को क्या करते हैं वो ऐसे करके हवा में ऐसे नीचे को फेंकते हैं ठीक है थीके? नीचे फेंकने से क्या होता है कि जो ग्रेन्स है वो नीचे नीचे आ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स उनके होंगे जो उनके कहो कि अनवॉन्टेड पार्टिकल्स है वो हवा में क्या आ जाएंगे उड़ के बाहर निकल जाएंगे ठीक है तो इसमें ग्रेन सेपरेट हो जाएंगे और जो मतलब अनवॉन्टेड लाइटर पार्टिकल जिसको हम हस्क बोलते हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं ठीक है इसका बेसिक्स क्या है इसका प्रिंसिपल क्या है ये डिपेंड करता है कि जो ग्रेन्स है वो अगर कोई भी चीज़ हैवियर होगी तो वो नीचे आके बैठ जाएगी और अगर कोई चीज़ लाइटर होगी जैसे इसमें ग्रेन्स में क्या होगा ग्रेन्स हैवियर हैं तो वो नीचे आके ज़मीन पर इकट्ठे हो जाएंगे और जो हस्क है क्योंकि वो लाइटर है वो हवा से दूर उड़ जाएगी ठीक है तो इसका प्रिंसिपल यही है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर लाइटर होना चाहिए जो हवा से ऐसे उड़ जाए और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैवियर होना चाहिए जो आके नीचे आके बैठ जाए ठीक है तो ऐसे करके इसको छानते हैं और पूरा नीचे को ऐसे फेंकते हैं नीचे फेंकने से जो भारी चीज होगी हैवियर चीज होगी वो नीचे आके बैठ जाएगी और जो हल्की चीज़ होगी वो हवा से ऐसे उड़ जाएगी ठीक है नेक्स्ट व्यू आर हैविविंग मैथड ऑफ विनोइंग नोइंग मैथड समझ लो इसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है ग्रेन और हस्क का एक्चुअली ग्रेन और हस्क को ही डिफरेंट करना होता है अनाज और जो हस्क है उसको डिफरेंट करना है इसके लिए क्या करते हैं उसको ऐसे डाल के ना एक मतलब रेक्टेंगुलर शेप में डाल के उसको क्या करते हैं फ्रॉम अ हाइट उसको नीचे फॉल ऑफ करते हैं ठीक है थीके? तो क्या होता है विंड से क्या होगा कि जो लाइटर हस्क होगी वो हवा में उड़ के एक साइड पर आ जाएगी और जो हैवियर ग्रेन होंगे वो फेल डाउन कर जाएंगे ठीक है इसका रिजल्ट क्या आएगा इसका रिजल्ट ये आएगा कि जो हस्क है वो अलग हो जाएगा ग्रेन से ठीक है एज एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपको हस्क को वीड ग्रेन से सेपरेट करना तो आप कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हो विनोइंग का मैथड यूज करते हो ठीक है सो नेक्स्ट वी आर हैविंग हैंड पिकिंग तो हैंड पिकिंग क्या होता है देखो अगर आप मार्केट से कोई दाल लेके आए हो तो दाल में आपको पता छोटे चोड़ छोटे कंकर तो होते ही हैं ठीक है थीके? अब उन छोटे चोड़ छोटे कंकर्स को आप सेपरेट कैसे करते हो विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग आप क्या करते हो एक प्लेट में डालते हो दाल को और अपने हैंड से जो भी आपके पास कंकर आपको दिखते हो उसको आप बाहर निकाल देते हो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग जिससे हम अनवॉन्टेड कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करते हैं अपने डिजायर्ड वन से इसका प्रिंसिपल क्या है इसका प्रिंसिपल बस ये है कि जो कंकर वगैरह कोई भी अनवॉन्टेड पार्टिकल्स होंगे उनका शेप साइज कलर कॉम्पोनेट्स का डिफरेंट होना चाहिए अगर शेप शेप साइज कलर डिफरेंट होगा तभी हमें डिफ्रेंशिएट होगा कि ना ये अनवांटेड पार्टिकल है जो दाल है हमारी वांटेड पार्टिकल है ठीक है तो इसका प्रिंसिपल बस यही है कि जो भी आपके पास अनवांटेड पार्टिकल्स उसका शेप साइज और कलर डिफरेंट होना चाहिए एज कंपेयर टू द वांटेड पार्टिकल्स इसका मेथड बहुत ही सिंपल है इसका मेथड क्या है कि आपने इसका मतलब क्या करना है जो स्मॉलर अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो स्टोन्स वगैरह प्रेजेंट है वो हमें डिफरेंट शेप साइज़ कलर में वैसे दिख जाते हैं ठीक है उसको मैनुअली आपने क्या करना है हैंड से उठाना और उसको बाहर फेंक देना बस अगर आपने स्टोन्स निकालने बाहर पल्से से तो आप हैंड पिकिंग वाला मैथड यूज़ करते हो नेक्स्ट विल हैविंग मैग्नेटिक सेपरेशन कुछ सेपरेशन ऐसी जिसमें हम मैग्नेट यूज़ करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेक्निक है इसमें हम सल्फर है और सल्फर के मान लो चलो सल्फर भी हो सकता है या सैंड भी हो सकता है मिट्टी भी हो सकती है मिट्टी के अंदर ना छोटे छोटे मतलब आयरन की फिलिंग्स मान लो मिक्स हो गई तो उसको निकालने के लिए मैं क्या कूँगी ऊपर से मैं मैगनेट निकाल दूंगी मैगनेट रख दूंगी तो मैगनेट क्या करेगा सैंड में से आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ ले लेगा ले और सैंड सैंड नीचे रह जाएगी ठीक है तो ऐसे आप मैग्नेटिक सेपरेशन से सैंड और आयरन फिलिंग्स को अलग कर सकते हो मतलब सॉलिड सॉलिड को अलग कर दिया हमने यहाँ पे सैंड भी सॉलिड है आयरन फिलिंग्स भी सॉलिड है

सॉलिड सॉलिड को सेपरेट कर रहे हैं तो इसका मैथड देखो मेथड में क्या है बस एक कंटेनर लेना है कंटेनर में आपने क्या करना है सैंड और जिसमें आयरन फिलिंग्स मिक्सड है उसको एक कंटेनर में ले लेना है ठीक है तो आप क्या करोगे उसके ऊपर ऐसे मैग्नेट रख दोगे मैग्नेट रखने पर क्या होगा जो आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी उस पर स्टिक हो जाएंगी वाइल जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी मतलब सैंड वगैरह या सल्फर वगैरह को भी अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो मैग्नेट तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा ठीक है इस मैथड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन तो एग्जाम्पल आप ऐसे लर्न कर लो कि अगर आपने सैंड और आयरन को सेपरेट करना है तो सॉलिड सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन वाले टेक्निक यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ सॉलिड सॉलिड सब्सटेंसेस वी आर हैविंग सीविंग सीविंग का मतलब होता है छानना जब हम आ, आपने देखा आटा छानते हो जब आटा छानने पे क्या होता है कि उसके आटे के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो छानने पे रह जाते हैं और जो आटे आर्टिकल बड़े बड़े पार्टिकल होते तो हैं छानने से नीचे आ जाते हैं ठीक है थीके? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी इसमें क्या करना, करना है अपने मिक्सचर को सेपरेट करना है थ्रू द पोरस मटीरियल ये पोरस मटीरियल है पोरस मतलब जो मतलब कुछ अमाउंट ऑफ सब्सेंसेज को अपने अंदर से पास होने देगा और कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसिस को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा ठीक है तो ये जो सीव्स होते हैं या होल्स होते हैं इन में से क्या करेगा जो है पार्टिकल होगा वो तो ऊपर ही रिटेन रहेगा और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे सीवे से बाहर आ जाएंगे, तो इसका प्रिंसिपल, क्या हो ये प्रिंसिपल है फिल्ट्रेशन पे फिल्ट्रेशन छोटे नीचे आ रहे हैं और जो बड़े पार्टिकल्स है वो सीव पे, जो इस सीविंग प्लेट पर वो रह रहे हैं ठीक है तो इसका प्रिंसिपल किस पर डिपेंड करता है फिल्ट्रेशन पार्टिकल्स साइज के डिपेंड करते हैं प्रिंसिपल है साइज पे भी डिपेंड करता है अगर तो छोटे पार्टिकल्स होंगे तो सीव से बाहर आ जाएंगे अगर मैंने ऐसा ले लिया कोई मटीरियल जिसमें पास ही नहीं कर रहा फिर तो सेविंग करने का मतलब ही नहीं है ठीक है अगर आपने एक पार्टिकल्स छोटे हैं और एक पार्टिकल्स बड़े हैं उन दोनों को सेपरेट करना है तो आप सेविंग का प्रोसेस यूज कर सकते हो ठीक है सो नेक्स्ट वी आर हैविंग मेथड ऑफ़ दिस तो इसका मेथड मेनली सीव का ही होगा जैसे आपने फॉर एग्जांपल चाय है चाय को आपने पोनी से या पुनते हो ना चाय को पुनने का मतलब चाय को फिल्टर करने का मतलब क्या है कि जो चाय की चाय पत्ती होती है चाय टी लीव्स होती है वो पोनी पे रह जाती है सीव पे रह जाती है ठीक है और जो उसका लिक्विड मटेरियल है वो पोर से बाहर निकल के हमें कप कप में डाल लेते हैं ठीक है ठीके? तो इसमें क्या होगा जो स्मॉलर कंपोनेंट्स होंगे वो सीव पे रह जाएंगे क्योंकि उनका साइज डिफरेंट होगा और जो हमारे पास दूसरे कंपोनेंट्स होंगे लार्जर वन वो क्या आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे ठीक है तो इसकी एक्जाम्पल्स क्या अगर आपने टी से टी लीव्स को सेपरेट करना तब भी आप सीविंग यूज़ कर सकते हो और अगर आपने सीविंग फ्लो जैसे आप आटा को छानते हो उसमें थोड़े थोड़े लम्ब्स होते हैं ना बड़े बड़े पार्टिकल्स होते तो हैं उसको सेपरेट करना तो आप क्या यूज कर सकते हो सीविंग मैथड को यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट मेथड टू सेपरेट अ मिक्सचर वी आर हैविंग सब्लिमेशन तो अकॉर्डिंग टू सब्लिमेशन क्या होगा सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट ठीक है तो जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर स्टेट में विदाउट गोइंग लिक्विड स्टेट उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन ठीक है तो इसमें क्या होगा अगर आप हीट करो हीट करने पर सॉलिड तो, तो वेपर कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐसे भी सब्लिमेशन हो सकता है अगर आप इन रिवर्स करो उसका रिवर्स कर दो वाइस वर्सा कर दो तो अगर आप कोई भी वेपर को कूल cool कर दोगे कूल cool करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये सब्लिमेशन प्रोसेस है सब्लिमेशन प्रोसेस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने में हेल्पफुल होता है ठीक है कोई भी दो सॉलिड्स सॉल्युबल है एक दूसरे में उन दोनों को सेपरेट करने के लिए आप कौन सा प्रोसेस यूज करोगे सब्लिमेशन का तो सब्लिमेशन में हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं टर्म्स कौन कौन से हैं एक तो है सब्लाइन और एक है सब्लिमेट ठीक है तो सब्लाइम क्या होता है ध्यान से देखो जो सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमेशन शो कर रहा है उस सॉलिड सब्सटेंस को हम बोलेंगे सब्लाइम फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर कैम्फर डाल दिया क्योंकि कैम्फर हीट करने पे डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कैम्फर क्या होगा कैम्फर होगा मेरे पास सब्लाइम जो सॉलिड सब्सटांस शो कर रहा है सब्लिमेशन वो क्या होगा सब्लाइम और जो सॉलिड फॉर्म हो गया मतलब यहाँ पे एक सॉलिड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये कैशियस स्टेट में कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा जो ये सॉलिड फॉर्म होया कूलिंग करने पर मतलब वेपर्स को कूल करने पर सॉलिड फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे

अमोनियम क्लोराइड आयोडीन कैंफर नेपथथलीन एंथ्रेसिन ये सभी क्या होते हैं ये सभी मिक्सचर हैं जो आप सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सब्लीमेशन नाउ वी आर हैविंग द एक्सपेरिमेंट टू सेपरेट द कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड जैसे मैंने आपको बताया कि जो सब्लीमेशन है वो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है ठीक है अगर मैंने एक सॉलिड ले लिया अमोनियम क्लोराइड और एक सॉलिड ले लिया सॉल्ट इन दोनों को भी मैंने सेपरेट करना है सेपरेट कैसे करोगे विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन सब्लिमेशन में आप क्या करोगे एक तो आप क्या करोगे एक बर्नर लोगे ठीक है एक आप फनल लोगे ये वाली क्या होती है फनल होती है ठीक है एक आप ट्राईपॉड स्टैंड ये वाला होता है हमारे पास ट्राईपॉड स्टैंड यहाँ पे होते वायर ग्यूज़ ठीक है वायर ऐसे करके ना ऐसे करके वायर गॉज होती है आपने शायद कमिस्ट्री लैब में देखी हो ये वायर गॉज होती है ठीक है एक आप वॉच ग्लास लोगे स्पैचुला लोगे मतलब सभी समान सब कुछ लेके फिर आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करोगे तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट क्या होगा आपने इस फनल में एक तो अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर डाल देना ठीक है फिर हमने क्या करना इस पूरे जो ग्लास है उसको हमने क्या करना हीट करना स्टार्ट कर देना फनल को हीट करना स्टार्ट कर दिया जब आप हीट करना स्टार्ट करोगे क्योंकि आपको पता है जो अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर प्रेजेंट है अमोनियम क्लोराइड सब्लीमीबल सब्सटांस है सब्लीमीब सब्सटेंस मतलब क्या वो हीट लेने कन्वर्ट हो जाएगा वो कैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर जाके स्टिक हो जाएंगे क्योंकि जब कभी भी कैशियस पार्टिकल कूल होंगे कूल आके वो फिर सॉलिड सब्सटांस में कन्वर्ट होकर यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे ठीक है तो सॉल्ट इसके अंदर अंदर रह जाएगा अमोनियम क्लोराइड यहां पर आ गया तो हमने क्या किया सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर दिया सब्लिमेशन सो नेक्स्ट फिर हैविंग ऑब्जर्वेशन रिलेटेड दिस आपने ऑब्जर्व क्या किया आपने ऑब्जर्व ये किया कि जो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड होगा वो स्टिक हो जाएगा वॉल्स ऑफ द फनल पे ठीक है और सब्लिमेशन होने के बाद जो ये सॉल्ट रह जाएगा वो नीचे नीचे रह जाएगा और जो अमोनिया था वो डायरेक्टली सॉलिड से गैशिय स्टेट में कन्वर्ट होकर इवेपोरेट करना स्टार्ट कर गया और ऊपर आके वो क्या होगा ऊपर आके थोड़ा सा कल cool होकर वो सॉलिड में फिर कन्वर्ट हो गया यहाँ पे स्टिक हो जाएगा तो इससे आप क्या करोगे सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर दोगे नेक्स्ट वीर हैविंग सेपरेशन ऑफ आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड अगर आपको आयोडीन और सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना है उसको आपके पास मिक्सचर गिवन है तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे उसको सेपरेट करने के लिए प्रोसेस यूज करोगे सब्लिमेशन का ठीक है तो अकॉर्डिंग टू सब्लिमेशन क्या होता है कि अगर हम आयोडीन और सोडियम क्लोराइड के पूरे मिक्सर को सब्लाइम करना स्टार्ट कर दें सब्लाइम करने से क्या होगा जो आयोडीन है इसमें जो आयोडीन होगी वो तो सब्लाइम करके बाहर निकल जाएगी ठीक है मतलब वो तो इवेपोरेट करके बाहर निकल जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे सब्लीमेट जो भी सब इवेपोरेट कर रहा है बाहर जा रहा है उसको हम सब्लीमेट बोलते हैं और जो भी चांस मतलब बाहर नहीं जा रहा इस कंटेनर के अंदर ही रह जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे रेसिड्यू तो आप आयोडीन और सोडियम क्लोराइड को सब्लिमेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो नेक्स्ट सेप्रेशन वी आर हैविंग ऑफ पोटाशियम क्लोराइड आयरन फिलिंग्स एंड कैम्फर ठीक है आपके पास ये बीकर में क्या है पोटाशियम क्लोराइड आयरन फिलिंग्स और कैम्फर इसको हमने सेपरेट करना है तो सेपरेट आप कैसे करोगे सबसे पहले तो आप क्या करोगे इसको सब्लिमेशन करोगे ये पूरे हमारे पास सैंपल में इसके अंदर पूरा ये मिक्सर प्रेजेंट है तो आप सबसे पहले सब्लिमेशन का प्रोसेस लगाओगे जब सब्लिमेशन का प्रोसेस लगाओगे तो इसमें क्या होगा कि जो कैम्फर होगा क्योंकि कैम्फर अ सब्लीमिएबल सबस्टांस वो थोड़ी सी हीट लेने पर क्या करता है वैपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है तो अगर आप सब्लिमेशन का प्रोसेस स्टार्ट करोगे उसमें क्या होगा जो कैम्फर है वो ऊपर

रेस्ट के बजाय आपके पास पोटाशियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स आपके पास बच गए तो आपने वो क्या किया एक कंटेनर में शिफ्ट कर दिए अभी उसके बाद आपने क्या किया मैग्नेटिक सेपरेशन लगाया मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा जो आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेट की तरफ कलिंग हो जाएगी वो अलग होगी और पोटेशियम क्लोराइड अलग रह गया ठीक है इन तीनों को मैंने सेपरेट कर दिया नेक्स्ट सपरेशन वी आर हैविंग ऑफ स्टोन सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड मेरे पास यहाँ पे स्टोन है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड है मैंने ऐसे छाननी में ले लिया इन तीनों को जब ऐसे छानना स्टार्ट करोगे ना तो स्टोन्स क्या हो जाएंगे ऊपर ऊपर रह जाएंगे क्योंकि साइज बड़ा है स्टोन्स का वो सेव पे रह जाएंगे और ये पोर से पास होके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड नीचे आ जाएंगे ठीक है बाद में आपने क्या करना है उस पूरे मिक्सचर को ऐसे इन्वर्टेड फनल में ले लेना है ठीक है इन्वर्टेड फनल में लेने पर आपने क्या करना है उसको इवेपोरेट सब्लीमेशन करनी स्टार्ट कर देनी है जब आप सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सर को सब्लाइम करोगे सब्लीमेशन करोगे तो अमोनियम क्लोराइड बींग अ सबलीमेबल सब्स्टांस ये सब्लीमेट हो जाएगा ये ऐसे इवेपोरेट हो जाएगा और जो सोडियम क्लोराइड है वो ऐसे नीचे रह

हेयर वी आर हैविंग फर्स्ट मेथड सेडिमेंटेशन तो सेडिमेंटेशन एंड डीकंडेशन तो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो वेरी ईजी मैथड है इसमें क्या करना है कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल मडी वाटर से मड को सेपरेट करना और वाटर को सेपरेट करना ठीक है तो आप क्या करोगे मड वाटर को ऐसे बीकर में ले लोगे जब मड वाटर वाला बीकर आप कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो आप ई नोटिस करोगे एक या दो मिनट के बाद कि जो मिट्टी है वो नीचे नीचे बैठ जाएगी क्योंकि जो सैंड के पार्टिकल्स है वो हैवियर है वो नीचे आके बैठ जाएंगे सिंक कर जाएंगे और पानी बीगा लाइटर वो क्या करेगा फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा ठीक है तो कुछ टाइम बाद आपने ये देखा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हैवियर पार्टिकल्स है उसको नीचे बिठा देते हैं मतलब नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन और जो ये सैंड के पार्टिकल्स नीचे आके बैठे हैं इनको बोलते हैं सेडिमेंट ये कौन से होंगे सेडिमेंट सॉलिड पार्टिकल्स नीचे आके बैठे हैं ठीक है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन इसका प्रिंसिपल देख लो इसके प्रिंसिपल यही है कि इनमें जो हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं इनमें एक कंपोनेंट हैवियर होना चाहिए और एक कंपोनेंट लाइटर होना चाहिए तभी तो वो नीचे आके बैठेगा ना तो हेवियर कंपोनेंट विल सेटल डाउन एंड लाइटर कंपोनेंट विल फ्लोट ठीक है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन हेयर यू आर हैविंग द एग्जाम्पल तो एक् एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने ग्लास लेना है उसको मॉडी वॉटर से फिल कर देना है कुछ टाइम तक आपने ऐसी ही रख देना है उसको कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो मर्ड है वो नीचे आके बैठ जाएगा और जो क्लियर वाटर है वो अब आ जाएगा और जो ये सेटलिंग डाउन ऑफ द मर्ड है ना इसको ही हम बोलते हैं सैडीमेंटेशन ये प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं और ये मर्ड जो नीचे आके अभी बैठ चुका है इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट ठीक है तो नेक्स्ट आप क्या करोगे सेडिमेंटेशन के बाद डिकेंटेशन क्योंकि जब आपका मड है वो नीचे आके बैठ गया जो पानी है फ्लोट करना स्टार्ट हो गया अभी अपने बड़े आराम से इसको उठाना है और पानी पानी आपने दूसरे बीकर में डाल देना है ठीक है अगर पानी आप दूसरे बीकर में डाल दोगे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन कि आपने बड़े आराम से उसको उठाना है उठा के आपने पानी वाली लेयर दूसरे बीकर में डाल देनी है और मड मड इसमें रह जाएगा ठीक है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन तो डेफिनेशन देख लो डिकेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली पोरिंग ऑफ द क्लियर लिक्विड और सुपरनेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मिक्सर विदाउट डिस्टर्बिंग सेटलमेंट हमें डिस्टर्ब नहीं करना सेटल नीचे वाले को सेटल्ड वाले को आपने ऊपर ऊपर लेयर के दूसरे मतलब बिकर में डाल देनी है इसको हम बोलेंगे डिकेंटेशन ठीक है नेक्स्ट मे हैविंग लोडिंग और काकुलेशन तो लोडिंग और काकुलेशन एक्चुअली सेडिमेंटेशन के मेथड को ही इंक्रीज करने का एक मेथड है जैसे हमने फॉर एग्जांपल मडी वाटर ले लिया ठीक है मडी वाटर में क्या होता है ना जब मडी वाटर आप सेडिमेंटेशन और डीकंडीशन सेपरेट करते हो तो वो कुछ टाइम ले लेता है तो हमें वहाँ पर बैठना पड़ता है कुछ टाइम के लिए कि कब मड नीचे जाके बैठेगी कब पानी ऊपर आएगा फिर आप डीकंडीशन करो तो आपको अगर सेडिमेंटेशन और डीकंडीशन का प्रोसेस इंक्रीज़ करना है तो आप क्या करते हो आउटसाइड से एक्सटर्नल एजेंट कुछ ऐड कर देते हो एक्सटर्नल कुछ केमिकल ऐड कर देते हो वो केमिकल आप एलम भी यूज़ कर सकते हो एलम मतलब फट करी जो फटकड़ी करते हो तो आप क्या करते हो मडी वाटर में आप एलम को डाल दो तो एलम क्या करेगा एलम सेडिमेंटेशन प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा ठीक है सेडिमेंटेशन का प्रोसेस इंक्रीज होगा तो आपको ज्यादा टाइम बैठना नहीं पड़ेगा उसको देखना नहीं पड़ेगा कब जाके मट नीचे बैठेगा कब मैं पानी को बाहर निकालूंगी ठीक है तो उसको ही हम बोलते हैं लोडिंग और कॉकुलेशन इसमें क्या होगा कि बस एक्सटर्नल सब्सटांस का हम ऐड करेंगे ताकि जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए ठीक है तो लोडिंग क्या होगा सेडिमेंटेशन को स्पीडअप करने के लिए हम लोडिंग यूज करेंगे इसमें क्या करता है वैसे तो मैं सिर्फ पानी की एग्जाम्पल ले रही हूँ स्मॉल बीकर की एग्जाम्पल ले रही हूँ बट ऐसे नहीं होता सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो बड़े बड़े पानी को प्योरीफाई करने के लिए भी यूज करते हैं अभी अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ पानी होगा तो ऐसे मैं वेट करती रहूंगी बैठ के भी कब मिट, मिट्टी नीचे जाएगी पानी ऊपर आएगा तो उसके लिए वो क्या करते हैं बड़े बड़े जो करते हैं मतलब बड़े जो वॉल्यूम ऑफ पानी आपको प्योर करना होता है उसमें वो एक्सटर्नल एजेंट ऐड कर देता है ताकि जो कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस और फटाफट इंक्रीज हो जाए और उनका काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए ठीक है इसमें एक्सटर्नल एजेंट आप कौन सी यूज कर सकते हो एक्सटर्नल एजेंट यूज कर सकते हो एलम एलम मतलब फट वो पानी आप ऐड कर सकते हो उसमें सेडिमेंटेशन का प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगा ठीक है अब इसका एक्शन क्या होगा एलम एक्चुअली क्या करेगा उसके अंदर जाके एलम जब मडी वाटर में जाके डिजॉल्व होगा ना तो एलम क्या करेगा जो फाइन पार्टिकल्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उनको और हेवियर बनाने में हेल्पफुल होगा एलम जब पानी में जाके मिक्स होता है तो जो सैंड के पार्टिकल्स है और हेवियर पार्टिकल्स हैं उनको और हेवियर करता है अगर और हेवियर हो जाएंगे तो वो ज्यादा जल्दी बैठ नीचे बैठ जाएंगे ठीक है तो सेडिमेंटेशन का रिजल्ट क्या आएगा सेडिमेंटेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि अगर आपको मडी वाटर को प्योरीफाई करना है तो आप उसको क्या कर सकते हो एलम उसमें ऐड कर सकते हो एलम क्या करेगा एलम मेनली क्ले पार्टिकल्स के या मड के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उनको और हेवियर बना देगा और सेटल डाउन फास्टर सेटल डाउन करने में हेल्पफुल होगा नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग ऑफ फिल्ट्रेशन तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स है ठीक है लिक्विड मिक्सचर में आपके पास कोई सॉलिड मिक्सचर इनसॉल्युबल है उसको आपने सेपरेट करना है सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में एक तो आपको ऐसे फ्लास्क चाहिए ग्लास फ्लास्क एक आपको ऐसे फनल चाहिए ठीक है फनल के ऊपर आप फिल्टर पेपर रखते हो तो आप क्या करोगे जो भी आपके पास लिक्विड और इनसॉल्युबल प्रेजेंट है इस बीकर में उसको आप ऐसे पोर करना स्टार्ट करोगे ना तो जो भी इस हमारे पास यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉलिड होगा वो ऐसे फिल्टर पेपर पर आ जाएगा और जो क्क्ुअल लिक्विड होगा वो नीचे आके बैठ जाएगा ठीक है जो भी हमारे पास यहाँ पे फिल्टर पेपर पे सॉलिड मटेरियल होगा उसको हम रेसिड्यू बोलेंगे और जो नीचे आके पानी लिक्विड नीचे आ जाएगा उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट रेसिड्यू और फिल्ट्रेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना जो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा सॉलिड मटेरियल उसको हम रेसिड्यू बोलेंगे और जो हमारे पास नीचे आ जाएगा फिल्टर्ड वाटर आ जाएगा उसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे ठीक है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या फिल्ट्रेशन मेनली क्या करता है अगर आपको सॉलिड को सेपरेट करना है जो लिक्विड में अच्छी तरह मिक्स नहीं है तो आपको क्या करना लिक्विड में से वो सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करना है तो आप फिल्ट्रेशन यूज़ करोगे इसका सेटअप क्या है कि आपको एक फिल्टर फिल्टर पेपर चाहिए मतलब फ़िल्टर पेपर में आपको उसको फिल्टर करना है तो मेन सेटअप उसका फिल्टर ही होना चाहिए कि वो फिल्टर करेगा बस मिक्सर को इसका एक्शन क्या है कि आपको फिल्टर पेपर यूज़ करना है फिल्टर पेपर पर क्या होगा सॉलिड मटीरियल फिल्टर पेपर पर पे रह जाएगा और लिक्विड मटीरियल नीचे आ जाएगा ठीक है तो रिजल्ट क्या होगा जो क्लियर वाटर होगा वो नीचे नीचे आ जाएगा जिसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे और जो रेसिड्यू जो मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे वो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे रेसड्यू बोलेंगे नेक्स्ट में हैविंग एग्जाम्पल रिलेटेड टू फिल्ट्रेशन तो आप कौन से प्रोसेस कौन से आप मतलब मिक्सचर्स को सेपरेट करते हो इसे मिक्सचर इज सिल्वर क्लोराइड एंड वाटर सिल्वर क्लोराइड क्या होता है इनसोलबल सॉलिड होता है जब आप उसको पानी में मिक्स करते हो तो अच्छे से मिक्स नहीं होता अगर आपको सेपरेट करना उसको तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करोगे इसमें क्या होगा कि जो सिल्वर क्लोराइड होगा वो फिल्टर पेपर पर पे आकर रिटेन रह जाएगा और जो नीचे पानी है वो साफ पानी नीचे आ जाएगा पानी को हम फिल्ट्रेट बोलेंगे तो इसकी समरी क्या भी जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो सॉलिड मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ आता है जो मतलब इन सॉलोलिबल है लिक्विड में ठीक है इसमें हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं फिल्टर पेपर तो लिक्विड पास करता जब फिल्टर पेपर से जो लिक्विड फ़िल्टर पेपर से पास कर गया उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे और जो सॉलिड मटीरियल्स में रह जाएगा उसको हम रेसिडी बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट फिर हैविंग फ्लोटेशन मेथड तो फ्लोटेशन मेथड आप काम भी यूज़ करते हो फ्लोटेशन मेथड यूज़ होता है कि अगर आपने इन सॉलिड को पानी में डाल दिया या कोई भी लिक्विड में डाल दिया और वो इनसॉलिबल सॉलिड लाइटर होता है कोई इनसॉलिबल सॉलिड अगर लाइटर होगा तो वह लाइटर होने पे क्या करेगा फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा तो सॉलिड जो मतलब मिक्स नहीं होगा अगर हम इसको सेपरेट करना है पानी से तो बींग लाइटर वो सॉलिड क्या करेगा ऊपर आके फ्लोट करना स्टार्ट कर जाएगा और जो पानी है वो नीचे आ जाएगा ठीक है तो आप उसको ईजिली क्या करते हो कोई भी फिल्ट्रेशन या कोई भी मैथड लगा के उसको इन पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हो और इस मैथ थर्ड को जिसमें लाइटर पार्टिकल्स फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं ऑन द वाटर दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोटेशन ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो फ्लोटेशन है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो लाइटर होंगे लिक्विड से वो क्या करेंगे फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे ठीक है इसका एक्शन क्या होगा कि आपने मिक्सर को अच्छे से स्टर करना है स्टर करने के बाद क्या होगा कि जो लाइटर सॉलिड पार्टिकल्स है वो राइस करना स्टार्ट कर जाएंगे सर्फेस पे तो रिजल्ट क्या होगा कि जो लाइटर सर्फेस जो लाइटर पार्टिकल्स है सॉलिड के जब वो टॉप पे आ जाएंगे टॉप पे आने के बाद उसको आप कलेक्ट कर सकते हो साइड कर सकते हो और पानी को आप साइड कर सकते हो ठीक है इसकी एग्जांपल है कि अगर आपको सो सौ डस्ट और वाटर को मिक्स सेपरेट करना है अगर आपको सॉ डस्ट और वाटर को सेपरेट करना है तो आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हो फ्लोटेशन का प्रोसेस सॉ डस्ट मतलब क्या होता है कि जो बुरा नहीं होता लक्ड़ जब लक्कड़ को ऐसे मतलब रगड़ते हैं तो उसका बुरा आ जाता है ठीक है छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में मिक्स है तो उसको आप कैसे सेपरेट करोगे फ्लोटेशन के मैथड से नेक्स्ट विल हैविंग सेंट्रफिकेशन मैथड तो सेंट्रिफिकेशन मैथड क्या होता है कि जो बहुत स्मॉल टाइनी पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में सस्पेंडेड होते हैं ना उसको आपने सेपरेट करना है भी सेपरेट कैसे करना है सेपरेट करने के लिए प्रोसेस होता है सेंट्रिफिकेशन सेंट्रिफिकेशन एक्चुअली ना एक मशीन होती है मशीन के अंदर आप ऐसे टेस्ट ट्यूब रख दो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या अगर जैसे मैंने ये टेस्ट ट्यूब रख दी टेस्ट ट्यूब के अंदर ना बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल सॉलिड किया जिसको मैं ऐसे सेपरेट फिल्ट्रेशन से भी नहीं कर सकती कोई मैथड से भी नहीं कर सकती पर मेरे को सेपरेट करनी है अब मैं सेपरेट कैसे करूँगी मैं यूज़ करूँगी प्रोसेस सेंट्रिफिकेशन इसमें मशीन होगी मशीन के अंदर मैं यार टेस्ट ट्यूब रख दूंगी ठीक है टेस्ट ट्यूब क्या करेगी ऐसी मशीन क्या करेगी बहुत ज्यादा रोटेट करेगी स्पिन करना स्टार्ट कर देगी स्पिन मतलब रोटेट करेगी तेज तेज रोटेट करेगी कुछ टाइम बाद आप जिसको स्टॉप करोगे आप क्या देखोगे कि जो हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे जो हमारे पास हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आके बैठ जाएंगे आउटर एजेस नीचे आके बैठ जाएंगे और जो लिक्विड मतलब थोड़ा सा लाइटर लिक्विड होगा वो ऊपर आके बैठ जाएगा ऊपर आ जाएगा ठीक है तो ऐसे आप क्या कर सकते हो होवियर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स को इसको आप सेपरेट कर सकते हो विद द प्रोसेस नोन ए सेंट्रीफिकेशन बट इसमें जो पार्टिकल होंगे वो बहुत ज्यादा मतलब टाइनी पार्टिकल्स होंगे उनको सेपरेट करने के लिए आप यूज करते हो सेंट्रीफिगेशन और जो हम ये मशीन यूज कर रहे हैं मशीन को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग मशीन मेनली इसमें पता क्या होता है कि, कि जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो आउटर एजेस पे आ जाते हैं पार्टिकल्स ऐसे पे आ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं तो लाइटर पार्टिकल सेंटर सेंटर में रह जाएंगे ऐसे लाइटर पार्टिकल सेंटर में रह जाएंगे तो आप ऐसे इन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो अगर आपको मिल्क में से क्रीम निकालनी है ठीक है तो आप सैट्रिफिकेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो स्पीड होगी स्पीड होने पे क्या होता है कि जो लाइटर क्रीम होती है वो टॉप पे कलेक्ट हो जाती है और जो रेस्ट ऑफ द मिल्क होता है वो नीचे नीचे रह जाता है वन ऑफ मिक्सचर्स वी आर हैविंग इवेपोरेशन जैसे इवेपोरेशन तो आपने नेम सुना ही होगा इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड स्टेट है वो गैशियस स्टेट में ऑन द हीटिंग कन्वर्ट हो जाता है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मिक्सचर है कौन सा मिक्सचर है सॉल्ट एंड वाटर का ठीक है सॉल्ट और वाटर में को डिफरेंट करना है सेपरेट करना है तो कैसे करूंगी इसको मैं क्या करूँगी इवेपोरेशन मेथड लगाऊंगी इवेपोरेशन मेथड से मैं क्या करूंगी इस मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट कर दूंगी जब आप हीट करोगे तो ऑब्वियसली जो पानी होगा वो एवेपोरेट करके एटमोस्फेयर में आ जाएगा जब काफ़ी सारा हीट करने के बाद आप कुछ टाइम बाद देखोगे ना कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो ऐसे नीचे नीचे आ जाएंगे तो इट मीन्स कि मैंने सॉल्ट और पानी को सेपरेट कर दिया बाय विच मैथड बाय द मैथड इज़ नोन एज इवेपोरेशन मैथड और इवेपोरेशन मेथड मेनली आप यूज़ करते हो सॉलिड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जिसमें सॉलिड और लिक्विड मिक्स होते हैं मिक्सर होता है और आप सॉलिड कंपोनेंट को आप क्या करते हो सेपरेट कर देते हो फ्रॉम द लिक्विड कंपोनेंट नेक्स्ट वीर हैविंग यूजेज एंड एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेन फर्स्ट मैंने आपको बताई दिया कि अगर आपको सॉल्ट वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करना है सॉलिड लिक्विड मिक्सर में से तो आप क्या कर सकते हो सॉलिड को अलग कर सकते हो मतलब सॉल्ट को अलग कर सकते हो पानी को अलग कर सकते हो मीन्स अगर इसमें आप मेनली क्या करोगे अगर कोई भी पानी में कोई भी सॉलिड चीज़ मिक्स हुई हुई है तो सॉलिड चीज़ को आप सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन का मैथड लगाओगे और लार्ज स्केल पर अगर आपको कॉमन सॉल्ट को सी वाटर से इवेपोरेट करना हो तो होता है तो लार्ज स्केल में भी इवेपोरेन मैथड का यूज़ होता है ठीक है तो इसमें मेनली क्या होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे सी वाटर है सी वाटर के ऊपर क्या होगा सन भी होगा जब सन के यहाँ रेज इस सी वाटर पे पड़ेंगी तो वो क्या करेंगे इवेपोरेट करना स्टार्ट हो जाएगा जब पूरा पानी एज इवेपोरेट कर जाएगा तो उसमें बिहाइंड क्या रह जाएगा उसमें बिहाइंड रह जाएगा सॉल्ट वो सॉल्ट को ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ़ सेपरेशन वी आर हैविंग डिस्टिलेशन तो डिस्टिलेशन क्या होता है कि अगर आपको कोई भी इमप्योर लिक्विड में से प्योर लिक्विड को कन्वर्ट करना है तो उसमें आप कौन सा प्रोसेस यूज करते हो डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हो ठीक है एक्चुअली डिस्टिलेशन की प्रोसीजर में क्या होता है कि आप लिक्विड लोगे लिक्विड को आप हीट करना स्टार्ट कर दोगे जब आप लिक्विड को हीट करोगे ऑब्वियसली उसमें वेपर्स कन्वर्ट होंगे बाद में उन वेपर्स को कर क्या करते हैं जब वेपर्स यहाँ पर आ जाएंगे वेपर्स को कूल करते हैं कूल करने के बाद वो वेपर्स फिर अगर देखो को कोई भी आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करो या कूल कर दो तो गैशियस उसको तो कूल cool करने पर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड इसमें भी क्या होगा इसमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे उसको क्या करेंगे उसमें लिक्विड डाल देंगे बाद में उस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट कर देंगे हीट करके वो स्टीम में कन्वर्ट होगा स्टीम जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर आके वो उसको कूल cool करना स्टार्ट कर देंगे स्टीम को जब ये स्टीम कूल हो जाएगी कूल cool होने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो ये पूरा क्या आ जाएगा प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा विद दिस फुल प्रोसेस नोन एज डिस्टिलेशन प्रोसेस तो डिस्टिलेशन के प्रोसेस क्या होंगे फर्स्ट प्रोसेस होगा हीटिंग का तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हीटिंग हो जाएगी लिक्विड हीट करके क्या बनेगा स्टीम में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो सेकंड आ जाएगा यहाँ पे वेपर्स में ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया अभी जो ये वेपर्स है ये वेपर्स जाएंगे इसमें इसको बोल कंडेंसर बोलते हैं इसको इसमें जाएगा तो थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो यहाँ पे लिक्विड है जो यहाँ पे वेपर्स हैं वेपर्स जाएंगे कंडेंसर में वो कूल cool होना स्टार्ट हो जाएंगे और वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे फोर्थ आ जाएगा कोलेक्शन तो इसमें क्या होगा जो लिक्विड है पूरा प्योर लिक्विड कोलेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट वन हम एक यूजेज एंड एग्जाम्पल डिस्टिलेशन की हम कहाँ पे यूज़ करते हैं यहाँ ये यूज़ होता है कि अगर आपने नॉन वॉलीटाइल इंप्योरिटीज़ को लिक्विड में से सेपरेट करना हो तो आप कौन से मेथड से सेपरेट करते हो डिस्टिलेशन मेथड से मतलब आपको कोई भी अगर चीज़ को लिक्विड को प्योर करना है तो आप डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हो ठीक है तो अगर आपको कोई भी सोल्यूशन में से प्योर लिक्विड को सेपरेट करना है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करो जैसे मेडिकल्स में भी क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर अगर बनाना हो ना कोई भी केमिस्ट्री लैब फिजिक्स लैब में अगर डिस्टिल्ड वाटर बनाना हो तो डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर प्योर वाटर को बनाने के लिए वो क्या करते हैं ये डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करते हैं या अगर सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको भी क्या करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं नेक्स्ट में हैविंग अप्रेटर्स फॉर द डिस्टिलेशन प्रोसेस इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लोगे एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लोगे ये वाली क्या है ये है मेरे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क ठीक है डिस्टिलेशन फ्लास्क के बाद ये होगा मेरे पास पूरा कंडेंसर ये वाला ये पूरा क्या है कंडेंसर कंडेंसर मतलब जो हीट पार्टिकल्स को जो स्टीम को कन्वर्ट करता है लिक्विड में बाय द कूलिंग प्रोसेस ठीक है बाद में मेरे पास होगा यहाँ पे रिसीवर ठीक है तो फर्स्ट क्या होगा डिस्टिलेशन फ्लास्क उसके बाद कंडेंसर उसके बाद रिसीवर ठीक है तो कंडेंसर एक क्या होगा लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है जिसमें आसपास क्या लगी होती है वाइड ट्यूब्स लगी होती हैं और इसमें वाटर आउट और वाटर इन होता है मतलब अंदर पानी जाएगा और यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा क्यों क्योंकि अंदर उसको कूल cool करना होता है तो कूल cool करने के लिए वो कौन सी वाटर इन एंड वाटर आउट के प्रोसेस से वो कूलिंग प्रोसेस अंदर चलता रहता है सो नेक्स्ट वी आर हैविंग है किसको मिक्स तो सेपरेटिंग फनल किसको सेपरेट करने के लिए यूज़ आता है टू इमिसिबल लिक्विड्स के लिए दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर लिया अगर आपके पास कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड जैसे मैंने ऑयल ले लिया और एक मैंने वाटर ले लिया ठीक है ऑयल और वाटर का भी मैंने सेपरेट करना सेपरेट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूंगी सेपरेटिंग फनल सेपरेटिंग फनल एक मेनली फनल होती है फनल के नीचे ऐसे स्टॉप कॉक और टैप लगी होती है ठीक है अकॉर्डिंगली आप टैप को ऑन या ऑफ कर सकते अपने अकॉर्डिंग तो मेनली जो सेपरेटिंग फनल होती है उसका पर्पस क्या होता है कि अगर कोई भी हमने दो लिक्विड्स ली ऑफ डिफरेंट डेंसिटी डेंसिटीज उनकी डिफरेंट होनी चाहिए डेंसिटी डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि, कि किसी की डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो नीचे आ जाएगा जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करना स्टार्ट कर जाएगा जैसे मैंने ऑयल और वाटर लिया है सेपरेटिंग फनल में आपने करना सेपरेटिंग फनल में ऑयल और वाटर को ऐसे डाल देना बाद में अच्छे से मिक्स कर देना है मिक्स करने पर कर क्या होगा क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी वो नीचे आके बैठ जाएगा और ऑयल की डेंसिटी कम है वो ऊपर ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा बाद में आपने नीचे इस पर रखना है ऐसे बीकर ठीक है फिर आपने कॉक को ऐसे इस स्टैप को स्टार्ट कर देना ऑन कर देना जब आप कार्क को ऑन करोगे ना ऑन करने पर इसमें क्या होगा जो लिक्विड पानी के पार्टिकल्स है वो नीचे बीकर में आने स्टार्ट हो जाएंगे जब भी आप देखोगे कि लिक्विड इस ऑयल के पार्टिकल यहाँ आ गए ना तब फटाफट इस स्टैप को आप बंद कर दोगे इसमें क्या होगा कि जो पानी है उस, उसको आपने सेपरेट कर दिया पानी आपने नीचे ले आया और जो ऑयल होगा वो सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा तो मतलब आपने दो इमिसिबल लिक्विड विच इज़ हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज़ उसको आपने सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल तो मेनली आप इसको किस यूज़ पे यूज़ कर सकते हो ऑयल एंड वाटर पे यूज़ कर सकते हो कैरोसिन ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट मैं हैविंग फंक्शन ऑफ सेपरेटिंग फनल फंक्शन क्या होगा जो उसका स्टॉप कॉक होगा ये वाला होता है स्टॉप कॉक ठीक है स्टॉप कॉक क्या कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपने अगर आप डिफरेंट लेयर्स अभी आपने बना ली है तो वो डिफरेंट लेयर ऑफ डेंसिटीज को अगर आपने सेपरेट करना है तो अकॉर्डिंगली आप स्टॉप कॉक को फंक्शन कर सकते हो और पानी को नीचे ले आओ और ऑयल ऑयल को ऊपर रख लो ठीक है इसमें क्या होगा एक्वस और ऑर्गेनिक फेस को आप कलेक्ट कर सकते हो सेपरेटली विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल सेपरेटिंग फ़नल आप लेबॉटरीज में यूज़ कर सकते हो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकता है ठीक है मतलब कभी कहीं भी अगर आपको दो इमेसीबल लिक्विड को सेपरेट करना तो सेपरेटिंग फ़नल यूज़ आ सकता है नेक्स्ट वन हैविंग सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट आयरन फिलिंग्स एंड सैंड अगर आपको कॉमन सॉल्ट आयरन फिलिंग्स और सैंड को सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे सबसे पहले इन तीनों की मिक्सचर में से मैग्नेट लेके आओगे ठीक है उसके पास मैग्नेट रख दोगे मैग्नेट रखने पे क्या होगा कि जो आयरन फिलिंग्स है ऑफ श्योर के करेंगे वो क्लिंग कर जाएंगे मैग्नेट के पास और जो कॉमन सॉल्ट और सैंड है वो अलग रह जाएंगे अभी आप क्या करो कॉमन सॉल्ट और सैंड को फिल्टर करना स्टार्ट कर दो फिल्टर आप कैसे करोगे फिल्टर करोगे आप इन दोनों में आप वाटर ऐड कर दोगे कॉमन सॉल्ट और सैंड का जो मिक्सचर होगा उसमें पानी ऐड कर दोगे पानी ऐड करने पे क्या करोगे फिल्टर करोगे फिल्टर पर करने पे क्या होगा फिल्टर पेपर पे सैंड रह जाएगा और जो उसके बाहर क्या निकल जाएगा कॉमन सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है वो बाहर बीकर में आ जाएगा ठीक है अभी आप क्या करोगे कॉमन सॉल्ट और वाटर के जो मिक्सचर है उसको वेपोरेट करना स्टार्ट कर दोगे तो पानी वैपोरेट हो जाएगा पानी वेपोरेट होने के बाद क्या होगा कि जो कॉमन सॉल्ट है वो नीचे बीकर में एसच रह जाएगा ठीक है नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग आयरन फिलिंग सल्फर एंड अमोनियम क्लोराइड उसको आप कैसे सेपरेट करोगे ध्यान से देखो आप सबसे पहले इन सभी के मिक्सचर को सबलाइम कर देना है सब्लीमट कर देना है सब्लिमेशन के प्रोसेस से क्या होगा कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लीमेट कर जाएगा बीइंग अ सब्बीमेल सब्सटेंस अमोनियम क्लोराइड विल सब्लाइम ठीक है तो रेस्ट क्या रह जाएगा रेस्ट में रह जाएगा आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर तो आयरन फिलिंग और सल्फर तो आपको पता ही है आपने कैसे सेपरेट करना है बाय पासिंग द मैगनेट मैगनेट पास करोगे आयरन फिलिंग सेपरेट हो जाएंगे सल्फर सेपरेट हो जाएगा ठीक है Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much. Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.